ये क्या बनने जा रहा है भैया? पेपर डोसा। पेपर डोसा और ये पड़ गया जी पेपर डोसा का बेटर। आप देखिए भैया कितने यूनिक स्टाइल में ये पेपर डोसा बना रहे हैं। इसी साइज देखिए, लगभग 2 फीट का ये पेपर डोसा यहाँ पे रेडी होने जा रहा है। और आपको अगर ऐसा पेपर डोसा खाना है तो आप आ सकते हैं नासिक के पवन नगर में, और ये न्यू महाराजा स्टॉल पे जो मारुति मंदिर के बिल्कुल सामने है, और सॉरी गणपति मंदिर के बिल्कुल सामने है, और पीछे पड़ता है इनके पवन नगर का गार्डन या क्रीडांगन। देखिए इस पे पड़ गया ये ऑयल और कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। इसको क्या भैया पूरा कड़क करके ले गए अभी? इसका कलर भी चेंज हो रहा है ना, ब्राउन ब्राउन हो रहा है। ऐसे भी धीरे धीरे ये कड़क होते जाएंगे ना, और इसी की वजह से वो खाने में फिर क्रिस्पी लगता है। पेपर के ऐसा कड़क होता है, क्रिस्पी लगता है, इसी वजह से इसका नाम पेपर डोसा पेपर जाता है। इसके साथ क्या क्या देंगे अभी आप? नारियल का चटनी है, टमाटो का चटनी है, आलू का चटनी है, 3 चटनी आप इसके साथ में देंगे। और ये कितने का होता है ये पेपर डोसा? 40 रुपये। चलो अब इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए साइज देखिए एक बार फिर से आप। ये क्या डाला भैया अभी आपने? कांदा लहसुन मसाला, चाट मसाला। चाट मसाला इसको अभी रोल करोगे? बढ़िया। देखिए इसका कलर देखिए, इसका साइज देखिए आप। ये प्लेट में भी पूरा नहीं आ रहा है, देखिए कितना बड़ा साइज का ये भैया के पास। और ये अभी यहाँ पे भैया इस पर चटनी डाल दे। भैया कौन सी चटनी डाली यहाँ पे आपने? नारियल की चटनी। नारियल चटनी, टमाटर की चटनी। अच्छा ये लाल वाली टमाटर की चटनी। और ये क्या पड़ गया? आलू का चटनी। आलू का चटनी। एक बार साइज देखिए, साइज देखिए आप एक बार, कितना बड़ा ये पेपर डोसा। ओनली यहाँ पे 14 रुपीज़ में महाराजा स्टॉल।